आज हम बनाएंगे मलाई से घी दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो शेयर करूंगी क्या आपने कभी ताजी मलाई में नींबू का रस निचोड़ कर मक्खन निकाला है यदि नहीं निकाला है ना तो एक बार इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा आपके बहुत काम आएगी यकीन मानिए बहुत ही काम की वीडियो है आप इसे पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पी एम रसोई में तो मलाई से मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मलाई लेनी है तो यहाँ पे मैंने एक सप्ताह की ये मलाई ली है एक सप्ताह की मलाई को मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखा था अभी मुझे फेंटना है ना तो इसे मैंने दो घंटे के लिए बाहर रख दिया है क्योंकि अभी हल्का ठंड का मौसम आ गया है ना तो आप इसे थोड़ा सा फ्रिज से बाहर निकाल के फेंटिएगा ताकि इसकी जो मक्खन है ना अच्छे से निकल पाए अब इसे हम एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं बड़ा बर्तन लेंगे ना तो हमें मलाई फेंटने में आसानी होगी क्योंकि जब हम मलाई को फेंटते हैं तो वो फूलती है उससे मक्खन रिलीज होता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो बड़ा बर्तन होगा तो आसानी से फिट पाएगा बाहर नहीं निकलेगा यदि आप छोटा बर्तन लेते हैं तो फिर फेंटते समय थोड़ा सा दिक्कत होगी मक्खन जो है ना बाहर आने लगता है इसलिए आप बड़ा बर्तन ही लीजिएगा अब ये देखिए मैंने सारी मलाई को इसमें डाल दिया है अब हम क्या करेंगे ना इसे चम्मच से थोड़ा सा फेंट लेंगे चम्मच से फेंट लेंगे ना तो इसकी जो मलाई के लच्छे हैं वो अलग हो जाएंगे फिर हमें इसे फेंटने में आसानी हो जाएगी क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रखा था तो ये थोड़ी सी हार्ड है मैंने इसे दो घंटे के लिए बाहर रख दिया था फिर भी इसके जो लच्छे हैं ना थोड़े से बंधे बंधे हैं आप इसे थोड़ा सा चम्मच से पहले इस तरह से ये देखिए फेंट लीजिएगा तो ये स्मूथ हो जाएगा और ये देखिए मैंने एक मिनट तक इसे फेंट लिया है और ये बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे फेंटेंगे तो इसे फेंटने के लिए यहाँ पे मैंने ये विक्सर लिया है यदि आपके पास विक्सर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नॉर्मल ग्लास ले लीजिए ग्लास से भी बहुत ही अच्छे से मक्खन इसका निकल जाता है मैंने पिछली वीडियो में मक्खन को ग्लास से ही निकाला है बहुत अच्छे से मक्खन निकला हुआ है यदि आपके पास मथानी हो तो मथानी भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मथानी ग्लास आप किसी से भी इस मक्खन को निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे से निकल जाता है अब इसे में तीन मिनट तक इसी तरह से फेंटना है और ये देखिए जैसे मैं इसे फेंटते जा रही हूँ इससे मक्खन रिलीज होना शुरू हो गया है ये बिल्कुल दानेदार हो गया है तो अब यहाँ पे हमें नींबू का रस डालना है तो आधा नींबू का रस लिया है नींबू के रस को हम निचोड़ देंगे इसके दाने आप निकाल दीजिएगा या फिर नींबू के रस को आप किसी कटोरी में निकाल के फिर डालिएगा अब हमें क्या करना है ना इसे एक मिनट तक फेंटना है नींबू के रस डालने से बहुत ही जल्दी से इसका जो मक्खन है न वो निकलना शुरू हो जाता है और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने इसमें नींबू डाल दिया है तो जो हमारा घी है वो खट्टा हो जाएगा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा और जो घी की सेल्फ लाइफ है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी आप इस घी को एक साल तक स्टोर करके रखेंगे ना तब भी इसकी खुशबू उसी तरह से बनी रहेगी नींबू डालने से ये फायदे होते हैं अब हम क्या करेंगे ना इसमें थोड़े से पानी के छींटे डालेंगे तो ये बिल्कुल चिल्ड पानी है चिल्ड पानी ही आपको इसमें डालना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस एक दो चम्मच के करीब इसमें हम हाथों से लेके थोड़े से छींटे डाल देंगे फिर इसे हम फेंटेंगे तो ये देखिए जब हम पानी के छींटे डाल के इसे फेंटेंगे ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी से इसका मक्खन जो है ना ऊपर आने लगता है ये देखिए बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया है मतलब ये गाढ़ा हो रहा है अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है तो फेंटने में मेहनत लगती है तो आप इसे एक दो मिनट और फेंटिए तो इसका सारा जो मक्खन है ना वो निकल जाएगा बीच बीच में आपको इसमें पानी के छींटे डालते रहना है और ये देखिए कितना बढ़िया ये मक्खन जो है ना निकल आया है अब हमें फिर से इसमें पानी के छींटे डालने हैं और पानी के छींटे डालकर फिर से हमें एक से एक बार फेंटना है तो पानी के छींटे मैंने डाल दिए हैं अब इसे हम दो से तीन मिनट फिर से फेंटेंगे ये देखिए आपको देख के पता लगने लगा होगा ना ये देखिए कितना ठीक हो गया है अब हमें विक्सत चलाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस थोड़ी ही देर में इससे जो छाछ है वो अलग हो जाएगी और जो हमारा मक्खन है वो अलग हो जाएगा ये देखिए अलग होना शुरू हो गया है और यहाँ पे मक्खन अलग हो गया है और जो हमारी छाछ थी वो अलग हो गई है तो बस इतना ही हमें इसे फेंटना है देख के आपको पता लग रहा होगा ना कितना बढ़िया हमारा मक्खन निकला हुआ है अब हम क्या करेंगे मक्खन को अलग कर लेंगे और छाछ को अलग कर देंगे जो विक्सर में लगा हुआ है इसे भी हम इसी में निकाल के रख देते हैं और कितना आसान तरीका है ना मलाई से मक्खन निकालने का बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह आप नींबू का रस डाल के ये मक्खन निकालते हैं ना तो मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे इस मक्खन को छाँछ से अलग कर लेते हैं तो हाथों से हमें इसे अलग करना है और ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला हुआ है तो इसी तरह से आप भी इस मक्खन को निकालिएगा बहुत ही बढ़िया मक्खन निकलता है देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है अब हमें क्या करना है ना इसे दोनों हाथों से उठा लेना है ये देखिए इस तरह से और इसे अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर इसका जो छांच है ना उसे हमें निकाल देना है छांच नहीं रखना है छाछ होगी ना तो बहुत ज्यादा वेस्टेज निकलेगा फिर हमें घी पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो जो मक्खन है सारा उसका सारा, सारा मैंने ले लिया है मेरे हाथों में आ ही नहीं रहा है देख रहे हैं आप ये बार बार गिर रहा है तो इसे हम अच्छी तरह से दबा दबा कर इसकी सारी छांच निकाल देंगे कि देखिए इस तरह से आप हल्का हल्का प्रेस करते जाइएगा तो जो इसमें छांच है वो पूरी निकल जाएगी तो सारी छाँछ को हमें इसी तरह से इसे प्रेस करते हुए निकाल देना है अब हम क्या करेंगे ना जिस बर्तन में आपको इस घी को गर्म करना हो उसी बर्तन में हम इस मक्खन को डालकर इसका जो छाछ है उसे अलग करेंगे बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे करने की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसमें हम इस मक्खन को डाल देंगे और अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे ठंडा पानी डालकर इसकी जितनी भी छाछ है उसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि ये खट्टा ना रहे और ये देखिए छाछ ये बची है ना इसका आप रायता बनाइए जीरा डाल के आप इसे पीजिए या कढ़ी बनाइए बहुत ही बढ़िया छाछ है क्योंकि इसमें मैंने दही डालकर जमाया था तो ये खट्टी भी है तो अब इसमें हम चिल्ड पानी डालकर इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं हाथों से आप इसे हल्का सा प्रेस करके अच्छी तरह से धो लीजिएगा ताकि जो भी इसकी छाछ है अच्छे से निकल जाए तो मैं इसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ देखिए पानी डालकर और जो ये छाछ है ना इसे आप उसी छाछ में डाल दीजिएगा और ये देखिए मैंने इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसकी जो सारी छाछ थी ना वो छाछ को मैंने निकाल के छाछ में डाल दिया है अब इसे हमें पकाना है तो इसे मैंने गैस पर रख दिया है गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है अब इसे हम कल्चे से चला देंगे ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तले में लगे नहीं और घी को पकाने के लिए आप मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा मोटे तले की होगी ना तो घी अच्छे से पक पाएगा वो नीचे से जलेगा नहीं नहीं पतले तले की होगी ना तो ये जल्दी से घी जो है ना तले को पकड़ने लगता है इसमें जो वेस्टेज होता है ना वो तले में लगने लगता है तो ये देखिए मैंने इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकने देना है तो इसे बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा ताकि ये तले में जाके लगे नहीं और ये देखिए यहाँ पे घी पकना शुरू हो गया है इसका जो वेस्टेज है वो अलग हो रहा है और घी अलग हो रहा है तो बस थोड़ी देर हमें और पकाना है जब ये घी अच्छे से पकने लगता है ना तो इसका जो वेस्टेज वाला हिस्सा है वो तले में जाके बैठने लगता है यहाँ पे देखिए सारा जो वेस्टेज है वो तले में जाकर बैठ गया है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है जो घी है ना बहुत ही बढ़िया से पकना शुरू हो गया है इसमें से खुशबू भी आने लगी है तो घी को हमें थोड़ा सा जो बेस्टेज है ना हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना है तो ये जो कढ़ाई है मोटे तले की है तो यहाँ पे हम अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है तो ये अपने ही हीट में घी को अच्छे से पका देगी यदि चालू रहेगा तो ये जल भी सकता है तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है अब अपने हीट में इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं और इसे चलाते भी रहना है ये देखिए यहाँ पे जो बेस्टेज है उसका कलर सुनहरा होना शुरू हो गया है बस इसी तरह से घी को हमें पकाना है जब ये ठंडा होगा तो इसे हम छान लेंगे घी यहाँ पे ठंडा हो गया है तो इसे हम छान लेते हैं तो यहाँ पे मैंने बाउल लिया है बाउल के ऊपर छलनी रखेंगे आप कॉटन के पतले कपड़े से भी इसे छान सकते हैं उससे और भी अच्छे से घी छन जाता है मैंने यहाँ पे छलनी ली है छलनी में इसे डालते जाएंगे और ये देखिए ये गाय का घी है इसलिए पीला है कितना बढ़िया हमारा घी निकला हुआ है बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है और ये देखिए थोड़ी सी मलाई से कितना सारा घी निकला हुआ है ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा घी बन गया है अब इस बेस्टेज के ऊपर हम थोड़ा सा चम्मच प्रेस करेंगे ताकि इसका जो भी घी है ना वो अच्छे से निकल जाए तो हल्का हल्का आप इसे दबाते जाइएगा ताकि जो भी इसका घी है ना वो निकल जाए और ये देखिए मैंने इसे दबाकर इसका जो भी घी था उसे निकाल दिया है और ये देखिए कितना बढ़िया घी बना हुआ है तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा आइकॉन की बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलती हूँ इसी तरीके की एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एन टेक केयर